बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे डेंगू के अबाउट कि डेंगू क्या है, डेंगू कैसे फैलता है, डेंगू की सिम्टम्स क्या है और डेंगू को रोका कैसे जा सकता है और डेंगू का ट्रीटमेंट क्या है। ये सारी बातें हम आज की वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो आपसे मेरी गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके, और कमेंट लाजमी कीजिएगा। किसी भी टेस्ट के अबाउट अगर आपको वीडियो चाहिए हो, कोई टेस्ट आपने सीखना हो तो आप कमेंट कह सकते हैं और मैं इंशाल्लाह वो वीडियो अपलोड लाजमी करूंगा। किसी भी टेस्ट के अबाउट हो, कोई भी हेल्प किट चाहिए हो, कुछ भी आपको चाहिए हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में लाजमी कमेंट कीजिएगा, मैं आपके लिए वो वीडियो लाजमी अपलोड करूंगा। मेरा नाम निशान अली है और जैसा कि आप जानते हैं कि मेरी वीडियोस हेल्थ अबाउट, हेल्थ मेडिसिन के अबाउट और लैब टेस्ट के अबाउट होती है, जिसमें मैं लैब टेस्ट परफॉर्म करके आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूँ। हम जानने की कोशिश करते हैं कि डेंगू है क्या। बेसिकली डेंगू एक फीवर है और ये एक स्पेसिफिक मॉस्किटो के काटने से होता है। ये एक वायरल डिजीज है और ये स्पेसिफिक मॉस्किटो एडिस एजिप्टाई से होता है और ये एक फीमेल मॉस्किटो होता है। मैं आपको क्लैरिफाई करता चलूँ कि जब एडिस एजिप्टाई मॉस्किटो एक डेंगू पर्सन को बाइट करेगा तो उसके बाद ये एक हेल्दी पर्सन को बाइट करेगा तो हेल्दी पर्सन को भी डेंगू फीवर में मुबतला कर देगा। और जब डेंगू वायरस जिस्म में दाखिल होता है तो ये बहुत फास्टली स्प्रेड होता है और जिसकी वजह से बॉडी में डिफरेंट चेंजेस भी आती हैं और हाई फीवर होना स्टार्ट हो जाता है। और अगर प्रॉपरली इसका ट्रीटमेंट ना हो और इसकी सिम्टम्स को मैनेज प्रॉपरली ना किया जाए तो ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। और अगर इसको इसकी सिम्टम्स को मैनेज ना किया जाए और इसके सही तरह ट्रीटमेंट ना हो तो ये ब्लीडिंग का कारण बन सकता है और एट द एंड ये प्लाज्मा लीकेज करेगा और इससे जान भी जा सकती है हमारी। डेंगू को कभी भी इजी ना लें। अगर आपको फीवर हो रहा हो या डेंगू की सिम्टम्स आ रही हो तो आपको फौरन हॉस्पिटल में जाना चाहिए और हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज करवाना चाहिए। घर में भी इसकी सही तदाबीर हो सकती है लेकिन हॉस्पिटल में ज्यादा इफेक्टिव है। जब डेंगू हो जाता है तो इसमें बहुत ज्यादा सीवियर होने के चांसेस कम नहीं होते हैं। ये 14 डेज में इसका आराम आ जाता है अगर इसकी सिम्टम्स को मैनेज किया जाए और ट्रीटमेंट सही। में एक डेंगू की स्पेशल वार्ड्स होती हैं और जिसमें इसका प्रॉपर चेक किया जाता है और प्रॉपर इसकी केयर होती है। 20 में से 1% को ज्यादा सीवियर कंडीशन की तरफ जाता है। मैं आपको एक बात और क्लैरिफाई करना चाह रहा हूँ कि डेंगू एक वायरल डिजीज है तो इसके लिए कोई स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं है और ना ही कोई एंटीवायरल ड्रग है जो हम दे सकते हैं फौरन इसके लिए। तो इसके लिए एहतियात बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें हमें एक टेस्ट सीबीसी करवाना पड़ता है और हमें बार बार उसकी प्लेटलेट देखने पड़ते हैं कि प्लेटलेट का लेवल कितना है। और डेंगू में मूवमेंट प्लेटलेट बहुत ज्यादा लो हो जाते हैं तो डेंगू के प्लेटलेट को मैनेज करना बहुत जरूरी है और उसको गाहे बगाहे डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक चेक करवाना लाजमी है। इसकी सिम्टम्स की बात करें तो इसकी सिम्टम्स में बॉडी पेन सबसे पहले हो सकती है, हाई फीवर हो सकता है, मसल पेन हो सकते हैं, जॉइंट पेन हो सकते हैं, स्टमक पेन हो सकती है और स्टमक पेन की वजह से आपको वॉमिटिंग भी हो सकती है और वॉमिटिंग के साथ साथ आपको डायरिया भी हो सकता है और डायरिया के साथ ब्लीडिंग भी थोड़ी सी स्टार्ट हो सकती है। ये सीवियर कंडीशन की एक अलामत है। इसका प्लेटलेट जब बहुत ज्यादा डाउन हो जाते हैं तो उसकी वजह से क्लॉटिंग फैक्टर भी डाउन हो जाते हैं जिसकी वजह से ये ब्लीडिंग स्टार्ट कर देता है। ये हाई कंडीशन में होता है कि हाई फीवर अगर हमें डेंगू अटैक कर दे तो फिर ये कंडीशन होती है और इससे वीकनेस भी बहुत ज्यादा हो जाती है और फ्लूइड हमारा बहुत ज्यादा कम हो सकता है इससे डेंगू फीवर की वजह से। तो अब हम बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट के बोर्ड का, ट्रीटमेंट इसका कैसे हो सकता है। तो डेंगू एक वायरल डिजीज है और कोई भी वायरल डिजीज हो तो उसके लिए कोई स्पेसिफिक वायरल ड्रग नहीं है। जैसा कि एंटीबैक्टीरियल है, हमें कोई बैक्टीरिया वायरस आ जाए हमारे समय तो हम एंटीबैक्टीरियल लेके उसको फौरन किल कर सकते हैं। तो इसकी कोई स्पेसिफिक मेडिसिन तो है नहीं, तो हमें इसकी सिम्टम्स को ही मैनेज करना पड़ेगा। जैसा फीवर है तो हमें फीवर के लिए कोई
एंटीपायरिंग मेडिसिन ले सकते हैं, वॉमिटिंग है तो हम उसके लिए एंटीमेटिंग कोई मेडिसिन ले सकते हैं, और हमें स्टमक पेन है तो हम इसके लिए कोई स्टमक की मेडिसिन ले सकते हैं, और जॉइंट पेन है, मसल पेन है तो इसके लिए हम कोई पेन किलर ले सकते हैं अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक, तो स्पेसिफिक इसके लिए कोई मेडिसिन। और उसके साथ अगर हमें गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो गया तो हमें ज्यादा से ज्यादा फ्लूड इनटेक करना है, डायरिया हो गया तो फिर भी हमें ज्यादा से ज्यादा फ्लूड इनटेक करना है ताकि वीकनेस ज्यादा ना हो, और फीवर के लिए एंटीपायरिक मेडिसिन लाइक पैरासिटामोल हम ले सकते हैं। आफ दैट इन सब चीजों को मिला के हम इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और डेंगी जो होता है ना वो 3 या 7 दिन में इसकी इनक्यूबेशन स्टार्ट होती है, और 14 डेज में अगर सीवियर कंडीशन ना हो तो 14 डेज में इसका आराम खुद ही आ जाता है, हार्ट रेट थोड़ा फास्ट हो जाता है इससे डेंगी की वजह से। हमारा डेंगी सीवियर कंडीशन की तरफ चला जाए जैसे कि प्लाज्मा लीकेज की तरफ चला जाए या बॉडी शॉक में चली जाए तो इससे हमारी जान भी जा सकती है, इसलिए डेंगी को इजी ना ले। डेंगी जब भी डेंगी फील हो कि हमें डेंगी हो रहा है या ऐसी कंडीशन हो तो फौरन डॉक्टर से रजू करना चाहिए ताकि इस मुखलक बीमारी से बचा जा सके। लास्ट में आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर सिम्टम्स में सारे सिम्टम्स में कोई भी सिम्टम आपको शो हो रही हो, आपको लगे कि मुझे डेंगी है, और आप सबसे पहले अपना सीबीसी टेस्ट करवाएं और डॉक्टर से लाजमी रजू करें और सरकारी हॉस्पिटल में जाएं, और आप जैसा कि हमारी गवर्नमेंट ने डेंगी का इलाज हर हॉस्पिटल में फ्री कर दिया हुआ है और इसके टेस्ट भी हर हॉस्पिटल में फ्री हो रहे हैं, तो इसलिए हमें इससे ज्यादा से ज्यादा इस्तेफादा हासिल करना चाहिए और सिविल हॉस्पिटल या सरकारी हॉस्पिटल की तरफ रजू करना चाहिए जब आपको डेंगी फीवर फील हो रहा हो। सो दैट इज अबाउट डेंगी फीवर, कि व्हाट इज डेंगी फीवर, व्हाट इज द सिम्टम ऑफ डेंगी फीवर एंड व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ डेंगी फीवर। मेरा नाम निशान अली है और जैसा कि आप जानते हैं कि मेरी वीडियोस हेल्थ अबाउट, हेल्थ मेडिसिन के अबाउट और लैब टेस्ट के अबाउट होती है, जिसमें मैं लैब टेस्ट परफॉर्म करके आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। लास्ट में मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट लाजमी कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा।